हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दिस इज़ योर एजुकेटर रोहित एंड वेलकम टू अ ब्राइट एजुकेशन। जैसे कि हमने आपको वादा किया हुआ था कि हम जल्दी ही बैंकिंग की जो प्रिपरेशन है आपको बिल्कुल फ्री में आपको अभी क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो क्लासेस हैं उसकी आपको टाइमिंग भी बता दी जाएंगी, ठीक है। तो वैसे आपको बड़ा बड़ा मैं बता देता हूँ, संडे को आपका चलेगा वीकली, जो आपका करंट अफेयर होता है उसकी क्लासेस लगेंगी, और पर डे आपका चलेगा मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो पर डे चलेंगी आपको, ठीक है। और ये करेंगे हम एक दो दिन में जल्दी। तो जब तक हम स्ट्रेटजी की वीडियो लाते हैं और सिलेबस की वीडियो लाते हैं उसके बाद से, ठीक है, स्टार्ट हो जाएंगी आपकी क्लासेस, ठीक है। तो जो आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स होने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं, आपने चेक किया होगा जो IBPS का कैलेंडर है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो RRB PO, RRB क्लर्क और IBPS PO और IBPS क्लर्क, इसकी जो मेंस और प्रीलिम्स की डेट्स हैं वो पहले अनाउंस हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो आपके 6 मंथ्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और जो आपका सिलेबस है प्रीलिम्स का सिलेबस, अभी मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए भी नहीं, दूसरी वीडियो में उसकी बात करेंगे। प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, क्या क्या जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, क्या क्या रखना है आपको, कौन सी आपको कितने मॉक टेस्ट आपको लगाने होते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पेपर होने वाला है वो है RBI असिस्टेंट, ठीक है। वो आपका जो अब नोटिफिकेशन या तो जारी होने वाला है, बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। उसके बाद आपका है RBI ग्रेड बी का पेपर, ठीक है। ये माना जाता है जो बैंकिंग का UPSC लेवल है ना, बहुत बड़ा एग्जाम है। तो जो सबसे बड़े बैंक में आपको मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली है, असिस्टेंट मैनेजर, है ना। तो इसका पेपर होता है जो आपका है अप्रैल या मई में आपका पेपर हो जाएगा प्रीलिम्स, ठीक है। तो इनकी बातें कर लेते हैं जो आपके और एग्जाम है, ठीक है। सबसे पहले है आपका RBI असिस्टेंट का पेपर प्रीलिम्स। अच्छा, एक बात यहाँ पे, RBI और जो सारे पेपर हैं, ठीक है, उनका जो प्रीलिम्स होता है वो 60 मिनट का होता है। जो आपको RRB और अच्छा जो RRB के पेपर होते हैं ना, PO और कलर के, वही होते हैं जिसमें 45 मिनट आपको दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे दो सब्जेक्ट आते हैं आपके प्रीलिम्स में, इंग्लिश नहीं आता है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। 40-40 नंबर के, 40-40 क्वेश्चंस के, ठीक है। 80 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है कि 45 मिनट आपको दिए जाते हैं। उसमें सेक्शनल आपको क्या नहीं, आपको टाइमिंग नहीं दी जाती है वहाँ पे सेक्शनल, और पेपरों में आपको सेक्शनल टाइमिंग दी जाती है, ठीक है। तो अभी बताएंगे आपको कैसे कैसे आपको टाइम का मैनेजमेंट करना होता है ना। तो प्रीलिम्स जो आपका प्रीलिम्स जो 60 मिनट है, ठीक है, उसमें जो आपका होगा RRB PO और RRB कलर को छोड़ के, यहाँ पे होते हैं आपके 3 सब्जेक्ट, RBI ग्रेड भी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें वो उसमें आपको करंट अफेयर भी दिया जाता है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें प्रीलिम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो और एग्जाम है उनके प्रीलिम्स की। तो यहाँ पे 60 मिनट में आपको दिए जाते हैं 3, क्या हो रहा है, गलती क्या हो रही है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपके। पहला हो गया इंग्लिश, फिर आता है मैथ्स और रीजनिंग। 20-20-20 आपका क्या होता है, सेक्शनल,
टाइमिंग होती है, ठीक है, 20 इंग्लिश के लिए, 20 मैथ्स के लिए और 20 रीजनिंग के लिए। और जो आपका जो मार्क्स होते हैं, यानी देख लेते हैं उसमें, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स का जो आपका क्या होता है, 30 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश से, रीजनिंग के होते हैं 35, मैथ्स के भी 35, और 20 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा 20 मिनट में 35 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, नहीं, बहुत आसान होता है, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी सब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो सबसे पहले है IBPS PO को, जो मैंने बोला है RRB PO और RRB कलर को छोड़ के सारे के सारे जो पेपर होंगे उसका जो प्रीलिम्स होगा वो 60 मिनट का होगा, ठीक है। और मेंस के टाइम भी आपको ये आपको देख के चलना है, ठीक है, ये जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले ही आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, किसमें डिस्क्रिप्टिव आएगा किसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, ठीक है। मेंस में आपके दो जो पेपर होते हैं उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, जो अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, IBPS PO और SBI PO। RRB PO में आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा, आपका दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, एक ऐसे राइटिंग और एक लेटर राइटिंग, ठीक है। उसके लिए आपको जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए वो बहुत सही होनी चाहिए, ठीक है, और टाइम का पता नहीं चलता वहाँ पे। 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आवर प्लस 30 मिनट, तो 30 मिनट आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। कलर का जैसे कि 2 आवर और 40 मिनट का जो मेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप, और इसमें जो मेंस का जो हम मेंस के सिलेबस की बात करेंगे वो अगली वीडियो में, लेकिन इससे उससे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें आप क्या आते हैं 4 सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश हो गया, GS हो गया, इसमें आता है करेंट अफेयर, है ना, और थोड़ा बैंकिंग, और आएगा इसका मैथ्स और रीजनिंग, है ना। इसमें भी सेम ही रहता है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव PO वाले पेपर में आपका क्या मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्टिव का भी मिलेगा, 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। SBI कलर सेम रहेगा आपका, इंग्लिश GS मैथ्स रीजनिंग और RRB PO। यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है, इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक चूज करनी होती है वहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है, मेंस में, और बाकी वही है, इंग्लिश इंग्लिश या हिंदी, ये आपको चूज करनी होती है लैंग्वेज, ठीक है। GS आपका रहेगा, कंप्यूटर यहाँ पे ऐड हो जाता है, एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स 5 सब्जेक्ट हैं इसके लिए, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग वो तो कंपलसरी है, यानी इंग्लिश हिंदी GS कंप्यूटर मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। RRB कलर में भी सेम ही रहता है, तो जो आपके ये तो थोड़ा सा आपको ये सर्च करना होगा, आपका जो कैलेंडर है, ठीक है, IBPS कैलेंडर सर्च कर लेना 2023 का, वो आपको मैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगस्त में आपको, अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, RBI असिस्टेंट और RBI ग्रेड भी उससे पहले हो जाएगा अप्रैल मई में। तो यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस, जो प्रीलिम्स का, आज मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स, जो मैथ्स और रीजनिंग जो आपकी, अगर आप पहले से ही SSC की प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा आपको ये इसका तो नॉलेज होगा ही, है ना, लेकिन अगर आप नए हो, अगर शुरू से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा ये आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, आप SSC का पढ़ के बैंक का पेपर नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग का जो लेवल होता है वो अलग ही होता है, ठीक है। पजल आपकी आएगी, सिलॉग्स आएंगे, इनइक्वालिटी आएगी, मिसलेनियस, सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग, है ना। तो अगर आप
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस आपको क्लियर करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले है आपका इंग्लिश का रीडिंग, इंग्लिश की रीडिंग की हैबिट डाल लो। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं आपके 8 से 9, RC से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि स्कूल में आता था ना एक पैसेज, जहाँ पे आपको क्या करना होता था, उसके क्वेश्चन ढूंढने होते थे, है ना। तो सेम है, ठीक है, बस उसके लिए हैबिट होनी चाहिए, रीडिंग की हैबिट। ठीक है, फिर आते हैं आपका, उसमें आएगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐड, ये भी आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, तीसरा है आपको सेंटेंस करेक्शन। आपने देखा होगा एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन, तो वही है। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिए जाएंगे, सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, फिर है क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आपने देखा होगा आपका पजल्ड हो जाते हैं। ठीक है, मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, उसका मैंने क्या कर लिया, सीक्वेंस चेंज करके लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 ये करके 5 4, तो इसको आपको ठीक करना है। ठीक है, तो रीअरेंज करना है उसको ठीक से। ठीक है, जम्बल्ड पैराग्राफ, ये वही है। फिर आता है आपका फिलर्स, वो दिए जाएंगे। ये सारे की सारी चीज़ें जो आपकी, ये बेसिक है ना, कोई एक्स्ट्रा जो आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वह है रीजनिंग का, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं आपकी सारी चीज़ें। SSC की जो रीजनिंग है वो थोड़ी सी अलग है, बैंकिंग की अलग है। देखो कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ चैप्टर तो सेम है, जैसे नंबर सिस्टम वहाँ पे भी है, नंबर सीरीज सॉरी, अल्फाबेट्स, एनालॉजी वगैरह वगैरह, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग लो लेवल की आती ही है, डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे भी आते हैं, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत लो लेवल की, लेकिन यहाँ पे बैंक, जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करोगे तो लो लेवल की नहीं है। इसमें क्या हो जाती है आपकी पैराग्राफ, जो आपका पैराग्राफ है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं, तो लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। पजल आएंगे आपकी, एक पेपर में मिनिमम 3 या 4 पजल होती है। ठीक है, और 5 5 नंबर के 5 5 क्वेश्चन होते हैं एक पजल के, यानी 20 से 25 का जो 25 या 20 क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, पजल आपके कवर कर रहा है ना। फिर है इनइक्वालिटी, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या, आपको जो स्पीड बूस्टर है ना वो आपको क्या क्या अलग करके चलना है। ठीक है, एक होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, तो जो इजी वाले होते हैं उसको अलग करके चलना है। ठीक है, जैसे आपके नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट्स, आपको इसमें आपको बताया जाएगा, इसमें आपको पता होना चाहिए, अल्फाबेट्स आपको याद होने चाहिए A to Z। उसके जो आपके होते हैं ऑपोजिट अल्फाबेट्स, वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और जो उनकी प्लेस वैल्यूज हैं वो भी याद होने चाहिए। अभी कोई नहीं, जो चार, जो तीन चार चैप्टर है ना इसके अल्फाबेट से रिलेटेड, वो सिर्फ अल्फाबेट्स एक बार पढ़ने के बाद कुछ चारों चैप्टर अलग अलग नहीं पढ़ने हैं। जैसे आपका क्या आता है एनालॉजी में भी वही आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स, तो उसी में 2 3 चैप्टर हमके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यूज मस्ट है, उसको आपको याद करके ही चलना है। ठीक है, बिना प्लेस वैल्यू के आप नहीं कर पाओगे। फिर
फिर अगला ब्लड रिलेशंस, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इससे। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें चाइनीज कोडिंग और जो सिंबल कोडिंग होती है वो सारी की सारी आपको दी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये तो बेसिक लेवल है ना, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, कितनी जल्दी आपको बनाना होता है, क्योंकि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। इनपुट आउटपुट, ये मैथ्स का, ये ज़्यादातर मैथ्स में आता है इनपुट आउटपुट का, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट, मैंने जैसे बताया था आपको, इसमें आपके अलग अलग प्रोसेस होंगी, यानी आपको लाइन में सेट कराना है, ठीक है, सर्कल में कराना है, ट्रायंगल में कराना है, रेक्टेंगल में है, और आपका होगा स्क्वायर में, ठीक है। इतने सारे कुछ भी हो सकता है, वो बोल सकते हैं आपको पेंटागन, पेंटागन तो कुछ भी हो सकता है। आपको सेटिंग करवानी होती है बस, ठीक है। साउथ, जैसे आप सेटिंग अरेंजमेंट करा रहे हो लाइन में, तो आपको साउथ और नॉर्थ साउथ इन दोनों का चीज, या ईस्ट वेस्ट का दे देगा, ईस्ट में देख रहा है कोई, वेस्ट में देख रहा है, इस टाइप का, ठीक है। तो वहाँ पे भी डायरेक्शन आपकी क्या आएगी, काम आएगी। जो सर्कल में होता है इनपुट, मतलब सॉरी, इनसाइड एंड आउटसाइड, सर्कल में इनसाइड आउटसाइड, वैसे ही आपके सारे चीज जो और हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर, वहाँ पे भी इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। यही आपकी दो दो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। फिर आपका स्टेटमेंट, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। फिर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ऑर्डर और रैंकिंग के हिसाब से। बोल दिया कि 7 लोग हैं आपके पास और इनको क्या करा गया है, इनको आपको लगाना है ऑर्डर में, ठीक है। तो बोल दिया, तो इस टाइप के जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, बस आपको सिलेबस का ध्यान रखना है, सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। सिलॉग्स देखा होगा बस, SS, अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं SSC की, तो अगर आप पढ़ते हो तो सिलॉग्स आपको पता होगा, वेनारिक के क्वेश्चंस, है ना, इनइक्वालिटी, बहुत इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे आपको। 3-4 क्वेश्चन आपके हर पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं स्पीड में, स्पीड टॉपिक के, ठीक है। एक हो गया सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, अल्फाबेट्स एंड मिसलेनियस, ये जो 4 टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक ये हैं आपकी स्पीड से रिलेटेड, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। फिर है पजल्स, तो यहाँ पे आपकी आती है 2 चीज़ें काम, एक तो आपकी आती है रीडिंग, ठीक है, कितनी जल्दी आप रीड करते हो और कितनी जल्दी आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, कितनी जल्दी आप उसको पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, पजल्स में ये काम आता है। और मिसलिनियस आपको बता दिया जाएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको अल्फान्यूमेरिक और इस टाइप के, ठीक है, नंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस सिलेबस आपको पता होना चाहिए क्या क्या आना है, ठीक है। एक बार हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस,
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्पीड, जिसमें आपको क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड आपकी। स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आएगा स्पीड ही काम आती है। प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा उतनी तेज़ आपकी स्पीड होगी सॉल्व करने की क्वेश्चंस। मैथ्स में देख लेते हैं आपको, यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे स्पीड, स्पीड मैथ में आपके कॉन्सेप्ट और आपकी कैलकुलेशन लगती है, ठीक है। दूसरा आपका कॉन्सेप्चुअल्स, कॉन्सेप्चुअल्स अरिथमेटिक क्वेश्चंस, ठीक है। तीसरा आपका डेटा बेस्ड, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको क्या दिया जाएगा, डेटा आपके सामने होगा, आपको पिक करना है और क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। तो थ्री टाइप्स हो गए, एक स्पीड मैथ होगी, एक कॉन्सेप्चुअल हो गया, है ना, अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ओके। और तीसरा आपका डेटा बेस्ड, जहाँ पे आपको डेटा के हिसाब से डेटा पिक करना है, सॉरी डेटा जो गिवन होगा उसको पिक करना है और क्वेश्चन के आंसर करना है, ठीक है। प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो स्पीड मैथ में आपका क्या आएगा, पहले ही मैं बोल चुका हूँ, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन नंबरों का पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर सीरीज सबसे पहली है, ठीक है। यहाँ पे नंबर सीरीज में टाइप्स इसके होंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज, और आपको कंप्लीट करनी है नंबर सीरीज, ओके। दूसरा है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, तो ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्स आपके जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं ना पेपर में, वो स्पीड मैथ के ही आते हैं, यानी ये जो चार टॉपिक हैं, नंबर सीरीज हो गया, दो तीन टॉपिक हैं सॉरी, और सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी पांच पांच क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन इसका ये होता है, 10 से 15 के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 10 से 15। और नंबर सीरीज ये भी आपकी पांच, 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पीड मैथ का जो क्वेश्चन है वो है आपका 15 से 20 तक, हर पेपर में मान के चलो 15 से 20 आपके स्पीड मैथ के क्वेश्चन आएंगे, बाकी अरिथमेटिक है, और दो या हाँ दो आपके डेटा बेस्ड, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको दिया जाएगा, आपका सामने डेटा होगा, आपको उसको पिक करना है और आपका आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल में बता दिया आपको अरिथमेटिक, इसको अरिथमेटिक लिख लेंगे, और तीसरा आपका डेटा बेस्ड। तो जब हम शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले हम स्पीड मैथ से करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, नंबरों का पता होना चाहिए, नंबर के साथ खेलना आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, कितनी जितनी जल्दी आपको नंबर समझ में आ रहे हैं, नंबर कैलकुलेट करने आ रहे हैं, ठीक है। और जो स्पीड मैथ है ना, उसमें हमने करे हैं पार्ट, ठीक है, अलग तरीके से इस बार इसमें हमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ इसको, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। यानी मैं इसमें मैंने करा है इसको डिवाइड, देखो एक है आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, वो आएगा आपका अगर नंबर आपको क्या है पता है, ठीक है ना, मैं लिख लूँगा 291.65, तो इसको आप अप्रोक्स क्या करोगे, 292, है ना, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, फिर आपका है बॉर्ड मास। तो जब मैं मैथ्स का जो सिलेबस प्रीलिम्स के लिए इसको इसकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँगा ना, उसमें बताऊँगा मैं आपको सब, ठीक है।
स्पीड मैथ में आपको क्या क्या लेके चलना है, अरिथमेटिक में क्या क्या लेके चलना है, कौन सा पार्ट आपको, कौन सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, जो ये ब्लैक में मैंने करे हुए हैं, परसेंटेज और रेशियो, तो जो अरिथमेटिक का आधा आधा पार्ट है वो तो स्पीड मैथ ले गया, है ना, फिर बचा हुआ ये परसेंटेज और रेशियो ले जाता है। देखो परसेंटेज और रेशियो से क्वेश्चन आएंगे, और इसको अगर आपने अच्छे से देख पढ़ लिया तो देखो जो आगे के क्वेश्चन है, आगे के जो चैप्टर हैं सॉरी, उसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका क्या आएगा, आर ओ आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में ही आएगा, है ना, नॉर्मल तो देने वाला है नहीं एग्जामिनर, तो आपको परसेंटेज और रेशियो सारी चीज़ें जो आपको अब आगे चलेंगी ना, जैसे आपका यहाँ पे आ गया पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, देखो पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस होता है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंस और मैंस, एक चैप्टर नहीं लिखा हुआ है शायद मैंने, पार्टनरशिप लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जो बेसिक आएगा ना, जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेगा, वो परसेंटेज और रेशियो अगर आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा है, आपने बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ा हुआ है, तो इन चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। परसेंटेज जहाँ पे भी आपको दिखेगा, आप बहुत जल्दी उसको कन्वर्ट कर लोगे रेशियो में, रेशियो रेशियो से परसेंटेज कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्पीड मैथ, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन कोई भी आप अरिथमेटिक का क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो स्पीड मैथ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, नंबरों का पता होना चाहिए, वहीं से आपका नंबर सीरीज में आपको अप्लाई करना पड़े, वही आपको नंबर सीरीज में अप्लाई करना है, ठीक है। जब हम नंबर सीरीज पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले मैं नंबर्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर जो एवरेज, ये भी बहुत मेन चैप्टर है, और सब ये दो तो हैं ही, है ना, क्वेश्चन, और चलेगा आपका प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं तो, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, हम क्या करते हैं ना इनको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, हर पेपर में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा मेन फोकस रहेगा परसेंटेज और रेशियो के ऊपर, और स्पीड मैथ्स, और जो DI है, ठीक है, डेटा बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पे, क्योंकि आपके पास सामने पे आपको जो दिया होता है ना, वहाँ पे नंबर आपको, मतलब डेटा आपको दिया होता है, वो आपको पिक करना है और आंसर देना है, बहुत इजी होता है, बस आपकी जो रीडिंग स्किल होनी चाहिए ना, और उसको इम्प्लीमेंट करने की, इम्प्लीमेंट करना कितना जल्दी करते हो वो आपका मैटर करता है, ठीक है। तो वही सीखेंगे, तो मिलते हैं अगले, तो और इससे पहले, और आप देख लेना IBPS का कैलेंडर, ठीक है। तो मिलते हैं आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में।